Hello, Salam, and welcome to DNA, my show which gives you daily news and analysis. Daily news क्यों? क्योंकि पाकिस्तान, साउथ एशिया और खिते में रोज खबर बदलती है. और एनालिसिस क्यों? क्योंकि सवाल पूछना आपकी आदत है और जवाब तजिया और तहकीक करना हमारे DNA में. With that, let's go to our rundown today. India का जो रोल है इस वॉर में वो क्या है? इंडिया एक एपिसेंटर बन गया है एंटी पैलेस्टाइन और एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडे का, फेक न्यूज का, डिसइंफॉर्मेशन का. उस पे एक छोटी सी स्पेशल, अभी सब में वॉर क्राइम्स क्या हो रहे हैं, वो सब क्या हो रहा है, वो एक अलग डिबेट है. वो हम एक एक्सपर्ट इंटरव्यू लाएंगे आपके लिए और वो बात करेंगे. मगर जो एक बड़ा, बहुत बड़ा, आप सबने देखा होगा जो एक मुद्दा पेश होता है वो इस वक्त एंटी मुस्लिम और एंटी पैलेस्टीनियन हेट का होता है. अब हर जंग जो होती है, कुछ भी होता है, तो डिसइंफॉर्मेशन जो है वो होती है. स्पेशली सोशल मीडिया के दौर में आपको पता है फेक न्यूज जिसे कहते हैं वो एक आम, अब अनफॉर्चुनेटली एक आम किस्म का फिनोमेना बन गया है. मगर लेटेस्ट जो रिपोर्टिंग है अल जजीरा की और BBC की, वो प्रूव कर रही है कि इस वक्त इसराइल और फलस्तीन की जो ये जंग है, इस सब में से सबसे ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज ना फलस्तीन से आ रही है ना इसराइल से आ रही, ये हिंदुस्तान से आ रही. जी, भारत जो है वो इस जंग में कूद पड़ा है. एक तरफ तो भारत कहता है कि वो फलस्तीनियों के हक को मानता है, दूसरी तरफ भारत कहता है कि वो इसराइल का इत्तेहादी है, इसराइल के साथ खड़ा है. ये जो सो कॉल्ड सिफारतकारी है ये एक तरफ, मगर ओवरऑल भारत का जो रूलिंग पार्टी है BJP, भारतीय जनता पार्टी, वो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक एक खौफनाक किस्म का IT सेल चला रही है. और ज्यादातर इस वक्त जो फेक न्यूज है, चाहे वो इस किस्म की फेक न्यूज हो, जो मैं चलाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, मगर आपको उसका रेफरेंस जरूर दूंगा कि इस किस्म की फेक न्यूज जैसे कुछ दिनों पहले चली कि हमास ने एक यहूदी बेबी को किडनैप कर लिया है या एक बच्चे को का सर कलम कर दिया है. ये जो वेरिफाइड ब्लू टेक अकाउंट्स हैं जो इलॉन मस्क साहब ट्विटर पे या एक्स पे अलाउ करते हैं, ये सब ब्लू टेक अकाउंट्स से भी हो रहा है, आम अकाउंट से भी हो रहा है. बूम एक हिंदुस्तानी रिप्यूटेड फैक्ट चेकिंग सर्विस है, ये कहती है कि ज्यादातर जो ये डिस इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक तो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एक डिस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो डिस इन्फॉर्मेशन करते हैं, ये भी हिंदुस्तान में बेस्ड हैं. खुद हिंदुस्तानी एजेंसी कह रही है कि ये जो डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है ये सपोर्टिव ऑफ इसराइल है और नेगेटिव फॉर पैलेस्टीनियंस है. ये हिंदुस्तानी राइट विंग अकाउंट्स, हिंदू नेशनलिस्ट अकाउंट्स जो हैं वो चला रहे हैं. फॉर एग्जांपल एक वीडियो जो है सरफेस हुई कि फलस्तीनियों ने सेक्स स्लेव्स बना लिया है दीगर इजरायली लड़कियों को, ये भी वीडियो हिंदुस्तान से निकली और मिलियंस ऑफ इसके व्यूज आए और ये भी झूठी वीडियो थी. मगर इस सब में इस वक्त जो एनालिसिस है वो ये है कि इस पूरे ट्विटर की जो टॉप 10 मोस्ट शेयर्ड फेक ट्वीट्स हैं, फिर से बोलूंगा टॉप 10 मोस्ट शेयर्ड फेक ट्वीट्स हैं, उसमें से जो 7 हैं वो या इंडियन अकाउंट्स से हैं या उन अकाउंट्स से हैं जिनमें इंडिया का झंडा लगा हुआ है. अजीब सी बात है कि ये जो वीडियोस हैं ये क्या प्रूव करते हैं. एक नेक्सस है बकौल खबर रसा जो एजेंसीज हैं उनके, ये नेक्सस है इस्लामोफोबिया, मतलब इस्लाम के खिलाफ, जिसके बारे में इमरान खान साहब भी बोलते थे, हिंदुस्तान और सोशल मीडिया का, ये 3 चीजें हैं. अब इस्लामोफोबिया का तो हमें पता है, जब से BJP आया है हिंदुस्तान में, एक इस्लामोफोबिया की एक एंटी इस्लाम एंटी मुस्लिम एक वेव आई है, ये वेव हर जगह नजर आती है. मगर इस जंग में हिंदुस्तान का क्या काम? इस जंग में जब हिंदुस्तान की हुकूमत एक तरफ कह रही है कि भाई फलस्तीनियों के हक जो हैं हम बिल्कुल मानते हैं, मगर हम इस वक्त इसराइल, अब हमारा जो इत्तेहादी है उसके साथ खड़े हैं, तो इस सब में हिंदुस्तानी क्यों कूद पड़े? बिकॉज बकौल खबर जो एजेंसीज के, # इस्लाम इज द प्रॉब्लम इन सब पोस्ट्स में चल रहा है. इस्लाम को, मुसलमानों को काउंटर किया जा रहा है, एक एक्सक्यूज बना लिया है इसराइल की जो जंग है ये फलस्तीनियों के खिलाफ, इसको एक एंटी मुस्लिम टच, एक एंटी मुस्लिम फ्लेवर अकॉर्डिंग टू अल जजीरा एंड BBC दिया
जा रहा है, इस किस्म के कमेंट्स चल रहे हैं कि द ओनली डिफरेंस इज व्हेन मुस्लिम गर्ल्स कन्वर्ट टू हिंदुइज्म दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, बट व्हेन हिंदू गर्ल्स कन्वर्ट टू इस्लाम दे एंड अप इन अ सूटकेस और अ फ्रिज। अब इस सब में इंडियन साबिक फौजी भी, अकॉर्डिंग टू अल जजीरा, साबिक इंडियन फौजी भी, अफसर भी इन अकाउंट्स के ओनर्स हैं। अब इस सब में देयर इज नो सीक्रेट कि इस्लामोफोबिया एक मसला रहा है हिंदुस्तान में, स्पेशली सिंस द बीजेपी टुक पावर, जब से बीजेपी 2014 से आया है। मगर ये जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग है, ये सब एक जगह पहुंचती है और वो है बीजेपी का आईटी सेल। और बीजेपी का आईटी सेल जो है उसके अंदर से भी अब खबरें निकल रही हैं, लोग इंटरव्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक खातून है, इंडियन खातून है, उनका इंटरव्यू अभी छपा है एक किताब में, साधवी खोसला इनका नाम है और जो किताब है उसकी जो ऑथर है उनका नाम स्वाति चतुर्वेदी है। दोनों हिंदुस्तानी हैं, दोनों हिंदू हैं। और हाउएवर क्योंकि हिंदुस्तान में शायद लगता है, शुक्र है, थोड़ा बहुत अभी भी इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग चलती है, वो खुद बताती हैं इस आईटी सेल की मेंबर कि हमें मिसोजिनी, इस्लामोफोबिया और हेट्रेड की इंस्ट्रक्शंस बीजेपी का ये सेल देता था, इसलिए हम ये काम करते थे। अब हमने से कुछ ने ये काम छोड़ दिया। मैं इस वक्त एक नहीं बल्कि दो, रूस और यूक्रेन नहीं बल्कि फलस्तीन और इसराइल वाली भी जंग लग गई है। सोशल मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और हेट्रेड को ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स कंट्रोल नहीं कर रहे। दिस इज ओवरऑल वेरी बैड न्यूज फॉर एनीबॉडी हू इज इन द बिजनेस ऑफ कंज्यूमिंग इन्फॉर्मेशन, और हम सब इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं। इसलिए खुलासा मेरा आज के लिए आपके लिए यही है कि एक तो ट्विटर पे जरा कड़ी नजर रखें, जब शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, रीट्वीट करते हैं, तो जरा गौर से जरा देख के कि किसको कर रहे हैं, और स्पेशली अगर वो इंडियन अकाउंट्स हों। ये मैं नहीं कह रहा, ये बीबीसी कह रहा है, ये अल जजीरा कह रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट कह रही है कि इंडियन अकाउंट्स से जरा सा दूर रहें।